हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। तो कल की वीडियो में पेगासस वायरस के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं कि क्या है। तो आज बात कर लेते हैं दुनिया में किस किस की वाट इस वायरस ने लगा रखे, कितने बड़े बड़े लोग जो स्पाईवेयर है, सॉरी वायरस नहीं, यहाँ पे स्पाईवेयर लिखना था मुझे, इस स्पाईवेयर की वजह से टारगेटेड किए गए। उनकी प्राइवेसी तो ख़त्म हो ही गई, उनका सारा डेटा हो सकता है कि बाकी जो जिन्होंने ये टारगेट कराया उन लोगों के पास पहुँच चुका हो। तो आज उनके बारे में बात करते हैं और देखते हैं वो नाम कौन कौन से हैं मशहूर लोगों के। तो ठीक है, इंडिया के अंदर भी, इंडिया के बाहर भी। लेकिन आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक डिजिटल सुधीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जानते हैं मैं आपके लिए कितनी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बिना किसी बकवास के बना के ला रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आज भी अगर आप वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब करिए। और मेरे कोर्सेज़, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के लिए लोग स्कैम के चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मैंने अपने कुछ कोर्स बनाने की सोची, जिससे आप घर बैठे ऑनलाइन कमा सकें बिना इन्वेस्टमेंट के और बिना फालतू के कचरे में फंसे हुए। तो वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लाइव जब भी सेशन हो तो उसको आप अटेंड कर सकें और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकें। तो शुरू करते हैं। 3 प्रेसिडेंट हैं किसी देश के, 10 प्रधानमंत्री, 1 राजा है कहीं का, पोटेंशियली बग्ड, मतलब जिनके ऊपर ये सॉफ्टवेयर हमने, मैं कह रहा हूँ हमने नहीं, अपोजिट जो उनके एनिमी कंट्रीज हैं उन्होंने जासूसी के लिए लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने ये रिपोर्ट कराया। 50,000 फोन नंबर ऐसा लगता है कि सर्वेलेंस पर डाले गए, जो कि बहुत ही बड़ा आंकड़ा है देखा जाए तो लोगों की जासूसी करने के लिए। डेली ले मंड एक फ्रेंच न्यूज़पेपर है, उसने लिखा कि प्रेसिडेंट इम्यूनल मार्कोन वॉज टारगेटेड टू पोटेंशियली सर्विलेंस बिहाफ ऑफ मोरक्को, यानी कि मोरक्को के द्वारा ये जो प्रधानमंत्री हैं फ्रांस के, ठीक है, ये वाले जनाब, इनके ऊपर पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से निगरानी रखी गई, इनके फ़ोन पे क्या बातें हुई, कहाँ ये गए, सारी जानकारी मोरक्को ने करी। पर मोरक्को ने इस बात पे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कमेंट करते हुए कहा कि भैया हमने ना करो कछु, ठीक है, ये जो हुआ है हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, तो इसने कर दी मना। अब फ्रांस प्राइम मिनिस्टर एडियर्ड फिलिपे एंड 14 मिनिस्टर ऑल्सो बिन टारगेटेड। अब आप कहोगे एक देश के 2 प्रधानमंत्री कैसे, तो भैया ये थे एक्स जो पहले के थे, ये भी इस इनको भी बग करा गया इनके फ़ोन को और उस पर भी निगरानी रखी गई। इसी के साथ ये 2 गोरे चिट्टे लोग आप देख रहे हो, वॉशिंगटन पोस्ट ने रिपोर्ट कराया। 2 अदर सिटिंग प्रेसिडेंट इराक के, एक तो इराक के प्रेसिडेंट हैं बरहम सलीह एंड साउथ अफ्रीका के, दूसरे सीरियल रमाफोसा ऑल्सो टारगेटेड, ठीक है। एक ये वाले जो हैं ये आपके इराक के हैं और ये साउथ अफ्रीका के हैं, इन दोनों जनाब को भी इन्होंने टारगेट करा गया है। ये दोनों राष्ट्रपति के पद पे हैं, कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो भी नाम लिस्ट में। इजिप्ट के मुस्तफ़ा, मोरक्को के साद इदाइन अल ओथमानी वर ऑल्सो अंडर पोटेंशियल सर्वेलेंस। 7 फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आर अंडर सर्वेलेंस इस कंट्री में। फॉरबिडन भी एक न्यूज एजेंसी है, उसने कहा सेट द स्पाईवेयर मेड अ लाइसेंस्ड बाय द इजराइलियन कंपनी। ये जो स्पाईवेयर है इसको लाइसेंस इजराइलियन कंपनी NSO ने दिया है, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। NSO हैज बीन यूज इन अटेम्प्ट एंड सक्सेसफुली हैक, समझ रहे हो, टू जर्नलिस्ट गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल गए, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये भी गए। इन तीनों का डेटा सरकारों के पास है अलग अलग देश की। ऐसा न्यूज़पेपर जो एलमेस्टी एनमेटी न्यूज़पेपर बताया, फॉरबिडन हिस्ट्री और 2-3 न्यूज़पेपर जैसे द वायर ने भी अपने आर्टिकल में कहा है, ठीक है। अब उसके बाद आप बोलोगे इंडिया में कितने, तो भैया इंडिया के अंदर 136 लोगों के ऊपर निगरानी रखी गई है ऐसा माना जा रहा है। और ये बड़ा ही, मतलब समझो, बड़ा ही सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। न्यू दिल्ली ओवर द पास्ट फ्यू डेज वायर, द वायर एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने कोलैबोरेशन कराया 16 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ और क्या कहा, हैज़ बिन रिवीलिंग द नेम ऑफ पीपल हु वर इधर अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट और फॉरेंसिकली आइडेंटिफाई एज हैविंग टारगेटेड बाय द क्लाइंट ऑफ द NSO ग्रुप, और NSO ग्रुप के लोगों के द्वारा पेगासस स्पाईवेयर से इनको टारगेट कराया। पर यहाँ मुझे कन्फ्यूजन पर्सनली ये है कि जो मैंने इतने सारे न्यूज़पेपर पढ़े उनमें एक चीज़ क्लियर थी कि आप पेगासस स्पाईवेयर को जो है टारगेट ही नहीं कर सकते सर, आप इस, सॉरी टारगेट कर रहा हूँ, इसको सर्च ही नहीं कर सकते, आपको फ़ोन में ये मिलेगा ही नहीं,
क्योंकि इस वायरस जो स्पाई वेयर है उसके ऑनर पे इतना एक्सेस है, वो इसको खुद ही रिमूव भी कर सकता है, खुद ही इंस्टॉल भी कर सकता है। अब मैं समझ नहीं पा रहा कि इन्होंने पता कैसे लगाया कि ये उन डिवाइस में इंस्टॉल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इन कोलेब्रेशन विद द वायर वॉज एबल टू फॉरेंसिकली एग्जामिन द फोन्स ऑफ 10 इंडियंस, ऑल ऑफ विच शो साइन ऑफ इधर अटेम्प्ट टू हैक। ऐसा हो सकता है सर, आप 10 तो छोड़ो, आप 1 करोड़ आबादी में 1 करोड़ लोगों के फ़ोन चेक करोगे तो 60 लाख लोगों के फ़ोन ऐसे मिलेंगे जो किसी ना किसी वायरस से इफेक्टेड हैं, समझो कुछ ना कुछ उनमें इंजेक्ट हो रखा है, हैक और सक्सेसफुली कॉम्प्रोमाइज, और कॉम्प्रोमाइज़ हो गए, बट नॉट, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि वो पेगासस सॉफ्टवेयर ही था, समझ लो। उसके बाद सिविलियन अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट स्टाफर, ये मैंने इसलिए यहाँ ऐड करा, ये आपको जानना थोड़ा मुझे लगा ज़रूरी है। द वुमेन हैड एक्यूज देन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई वाला जो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस था और एक मोहतरमा का, तो जो वो मोहतरमा थी उनके जो और उनकी फैमिली में, और वो इस पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से सर्वेलेंस में रखी गई। तो यहाँ पे ये एक डिटेल ये मिली जो गलत है, पर क्वेश्चन उठता है क्या ये कानूनी है, सरकार ऐसा कर सकती है? तो सेक्शन 69 ऑफ आईटी एक्ट 2000 का कहता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और प्रोसीजर फॉर सेफगार्ड फॉर द इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रूल्स 2009 वर इनएक्टेड, 2009 से लागू करा गया टू फर्दर द लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के लिए। अंडर द आईटी एक्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ डेटा कैन बी इंटरसेप्टेड, भारत सरकार किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डाटा को इंटरसेप्ट कर सकती है, सो फॉर आ पेगासस, और वो पेगासस के लिए भी लागू होता है, लाइक ए स्पाईवेयर टू बी यूज्ड लॉफुली। और ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है ना, इसको लॉफुली यूज़ करना चाहिए पूरा स्ट्रक्चर, मतलब कि अगर किसी के ऊपर आपको ये, किसी भी इंडिविजुअल चाहे वो एक रिक्शा चलाने वाला है, अगर आपको उसके ऊपर ये उसके ट्रैक करना है और ये जो स्पाईवेयर है इसको यूज़ करना है उसकी डिवाइस पे, तो इसको, इसके लिए आपको लॉफुली चलना पड़ेगा। जो भी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी होगा उससे परमिशन लोगे, कोर्ट से परमिशन लोगे, उसके बाद ही आप उसके ऊपर जासूसी कर सकते हो। द गवर्नमेंट वुड हैव टू इन्वोक बोथ द आईटी एक्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट एंड आर्टिकल ऑफ 19 सबसेक्शन 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 69, द आईटी एक्ट एड अनदर एस्पेक्ट दैट मेक्स इट बॉर्डर इंटरसेप्शन मॉनिटरिंग एंड डिक्रिप्शन ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन ऑफेंस इज लीगल। किसी भी ऑफेंस के लिए ये सारे कार्य जितने भी कृत्य हैं ना, वो सब सरकार कर सकती है और ये लीगल है। सिग्निफिकेंटली इट डिस्पेंसेस विद द कंडीशन प्रेसिडेंट सेट अंडर द टेलीग्राफ एक्ट रिक्वायर्ड, द अकाउंटनेस ऑफ द पब्लिक इमरजेंसी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी विच widens द एम्बिट ऑफ पावर अंडर द लॉ, और ये लॉ के अंदर आता है, लेकिन सब कुछ लॉफुली होना चाहिए, अदरवाइज ये इलीगल माना जाएगा, चाहे इसे फिर दुनिया में कोई भी करे, चाहे सरकार करे, आप, मैं या खुद NSO, वो गैर कानूनी होगा। तो इतने सारे लोग हमारे देश में पाए गए, कुछ बीजेपी के 1-2 मेंबर निकले, कांग्रेस में राहुल गांधी ने बोला कि उनके फ़ोन को भी हैक करने की कोशिश करी गई, अलग अलग सरकारों में अलग लोगों ने, द वायर, द इंडियन एक्सप्रेस ने भी पब्लिश करा कि उसके कुछ जर्नलिस्ट थे जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर आया है, आप न्यूज़पेपर देख सकते हैं 21, 22, 23 और 24 तारीख का, उनमें से किसी एक दिन में आपको ये जानकारी मिलेगी। इसी के साथ NDTV ने भी बोला कि उसके कुछ अपने जर्नलिस्ट आए हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है सर, जो जर्नलिस्ट होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं, इनकी जो हमारा स्तंभ है, तीसरा चौथा जो भी स्तंभ है हमारे संविधान का, नहीं है, क्योंकि वो ही आपको सच्चाई से अवगत कराता है, लेकिन अगर वो सच्चाई बाहर आने से पहले दब गई तो वो तो बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो उसी के लिए पेगासस जो ये स्पाईवेयर है वो एक खतरा है और एक ज़रूरत भी है, पर डिपेंड करता है कि इसको यूज़ कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है गाइस। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मुझे पता नहीं आपके लिए कितनी यूज़फुल होगी, पर मैं मान के चलता हूँ कि कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ से जानकारी मिली होगी आज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट करके बता देना क्यों कर रहे हो गाइस। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे